हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है संदीप ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक सरकारी नौकरी का नोटिफिकेशन लेके आए हैं। और ये जो नोटिफिकेशन आपको मिल रहा है, इंडियन आर्मी भर्ती प्रक्रिया 2020 को लेके मिल रहा है। अभी आपको पता होना चाहिए कि पूरे देश को लॉकडाउन किया गया है। ऐसी स्थिति में एक वैकेंसीज के जो है ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, तो आपको इसी लॉकडाउन में या लॉकडाउन के बाद आप ये फॉर्म भर सकते हो। लेकिन नोटिफिकेशन जो प्रकाशित किया गया है वो लॉकडाउन में किया गया है, और 2020 की ये लेटेस्ट वैकेंसीज है कि यहाँ जो है वैकेंसीज आपको बताई गई हैं। और यदि आप 8वीं पास हैं तो इंडियन आर्मी में भर्ती हो सकते हो। यदि आप 10th पास हो तो भी सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हो। यदि आप 12वीं पास है तो आप अच्छी पोस्ट के लिए यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। वेटर के लिए अप्लाई कर सकते हो, कुक के लिए अप्लाई कर सकते हो, जीडी के लिए अप्लाई कर सकते हो आप लोग, क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हो। लिखित सिलेक्शन दौड़ के द्वारा होगा, लिखित भी होगी आपकी, इसमें दौड़ भी होगी। और इसमें आपके पास बड़ा मौका है क्योंकि आप घर बैठे भी फॉर्म ये भर सकते हैं। आप घर बैठे भी ये फॉर्म भर सकते हैं। तो कैसे फॉर्म भरना होगा, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कैसे इसमें आपका सिलेक्शन होगा, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में क्रम वाइज क्रम दिखाई जाएगी। तो पहले बात करेंगे 8वीं पास स्टूडेंट्स के लिए जो वैकेंसीज निकल रही है उसका फॉर्म कैसे भरेंगे। तो यहाँ 8वीं पास के लिए देख सकते हो आप लोग, इसमें मेस कीपर की है और हाउस कीपर की है। यहाँ दो प्रकार की जो सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन जो है आमंत्रित किए गए हैं। कुल निर्धारित प्रतिशत की कोई शर्त लागू नहीं है। यहाँ कुल निर्धारित प्रतिशत की कोई शर्त लागू नहीं है, परंतु प्रत्येक विषय में कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों, ये जो शर्त है वो लागू की गई है। यदि आप 8वीं से ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो तो आपको अंक सूची और परित्याग प्रमाण पत्र जो है देना पड़ेगा। जैसे ही आप इसमें सेलेक्ट हो जाओगे तो डॉक्यूमेंट्स में ये बड़ी यहाँ आपको एक जो बात बताई गई है, और इसके साथ आपको यहाँ चेस्ट वगैरह बताया है कि आपका चेस्ट क्या होना चाहिए। और इसके साथ नेक्स्ट वैकेंसी आप लोगों को यहाँ मिलेगी सैनिक ट्रेड्समैन 10वीं पास के लिए है, जिसमें सैनिक ट्रेड्समैन में कौन कौन सी वैकेंसीज आप लोगों को मिलेगी। तो यहाँ कारपेंटर की वैकेंसी आपको मिल जाएगी, कुक की वैकेंसी आप लोगों को मिलेगी, बार्बर की वैकेंसी, पेंटर की वैकेंसी आप लोगों को यहाँ मिल रही है, और इसी के साथ डेकोरेटर की वैकेंसी आप लोगों को मिलेगी, मेस वेटर की वैकेंसी आप लोगों को मिलेगी, इसके साथ मोची की, और यहाँ एक वैकेंसी और आपको यहाँ मिल जाएगी, टेलर और धोबी। ये निम्न प्रकार की वैकेंसीज आपको यहाँ मिल रही है, निम्न प्रकार की वैकेंसीज आपको मिल रही है। इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो रखी गई है 10वीं पास, यहाँ 10वीं पास रखी गई है। यदि आप 10th पास हैं और 10th पास के साथ साथ इसमें कुल जो है निर्धारित प्रतिशत का कोई शर्त लागू नहीं है, प्रत्येक विषय में कम से कम 33 अंक प्रतिशत यदि आपने प्राप्त कर रखा है तो आप इन पोस्टों के लिए फॉर्म भर सकते हो। ये और यदि आप 12वीं पास हैं तो आपको यहाँ क्लर्क की पोस्ट मिल जाएगी, क्लर्क की पोस्ट आप लोगों को मिलेगी, क्लर्क की पोस्ट आप लोगों को मिल जाएगी। यदि आप 12वीं पास हैं तो यहाँ देख सकते हो 10+2 इंटरमीडिएट कक्षा उत्तीर्ण की हो किसी भी विषय में, चाहे आपने कला में की हो, चाहे वाणिज्य में की हो, चाहे विज्ञान में की है, कुल मिलाकर 60% अंक और प्रत्येक विषय में कम से कम 50% अंक हासिल किए हो, 12वीं पास में अंग्रेजी और गणित, लेखा शास्त्र, बुक कीपिंग विषयों में प्रत्येक में से कम 50% अंक होना अनिवार्य है। तो ये जो फॉर्म स्टार्ट हुआ है वो जो हुआ है देख सकते हो 28 मार्च से 11 मई तक आप इसका फॉर्म भर सकते हो, और आपकी जो रेस होगी 5 जून के समथिंग आपकी इसमें रेस होगी, 5 जून के समथिंग आपकी इसमें रेस होगी। 28 मार्च से यानी कि कल से फॉर्म स्टार्ट हुआ है, और 11 मई 2020 तक ये फॉर्म भरा जाएगा। तो यहाँ लॉकडाउन के बाद भी आप ये फॉर्म भर सकते हो क्योंकि 11 मई आपको इसमें लास्ट डेट बताई गई है।
इसमें सिलेक्शन प्रोसेस आप लोगों के यहाँ समझाया गया है कि आपकी क्या एज होनी चाहिए और कितनी किलोमीटर आपको यहाँ दौड़ करनी होगी और कितने नंबर आपको मिलेंगे, फॉर्म रिजेक्ट क्यों होता है, टैटू संबंधी डिटेल्स यहाँ आपको बताएगी, एनसीसी सर्टिफिकेट को लेकर आपको यहाँ डिटेल्स बताई गई है। करना क्या, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है www.joinindianarmy.nic.in पे जाके आप आसानी से फॉर्म भर सकते हो और इंडियन आर्मी में सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हो। और भर्ती कार्यालय का जो ऑफिस है, एआरओ जो ऑफिस है, एआरओ का ऑफिस है वो है श्रीनगर और बांदीपुरा की ये जो वैकेंसीज है, और इसका फॉर्म आप जो है 18 मार्च से लेके 11 मई तक फॉर्म भर सकते हो। और रैली रिक्रूटमेंट का आयोजन किया जाएगा 27 मई 2020 से लेके 5 जून 2020 के मध्य इसमें रिक्रूटमेंट रैली का आयोजन करवाया जाएगा। और आपका इसमें टाइम वगैरह की डिटेल्स बताई गई है, क्या क्या टाइम पर आपको यहाँ जो है फॉर्म भरना है, क्या क्या टाइम पर आपको यहाँ इंटर कर लेना है। इस रिक्रूटमेंट रैली में भाग लेने पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आपको ध्यान से पढ़ना है।